हाजी शहजाद अली सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने जिला अदालत के सामने से उसे गिरफ्तार कर लिया। अब हिरासत में लेकर पुलिस उसे सिटी कोतवाली लेकर पहुंची। अब पूछताछ जारी है। उसको आज गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी अभी गिरफ्तार किया गया है, बल लगाई सभी संघर्ष पूछताछ की जा रही है और जैसे ही पूछताछ पूरी होगी तो सारे कहाँ जा रहा है। तो छतरपुर का ये पूरा मामला है और अब इस मामले में जो लगातार गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग टीमें गठित कर चुकी थी, इनाम घोषित कर चुकी थी, अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है जिला अदालत के सामने से। ये गिरफ्तारी हुई है, दरअसल ये पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड ये है शहजाद अली, और अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ सामने आता है। पर यह भी मामला आपने पूरा देखा होगा, ये देखिए गिरफ्तारी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये गिरफ्तार शहजाद अली को किया गया है और अब उससे पूछताछ तो होगी। आपने देखा था ये पूरा जो मामला है पत्थरबाजी से जुड़ा था, थाने पर पथराव किया गया था, मुख्य आरोपी ये है, मास्टरमाइंड है, जिसके बाद इसके बंगले को भी गिरा दिया गया, इसकी कोठी को गिरा दिया गया, तभी से ये पूरा परिवार जो है गायब था, फरार था, इस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है, अब ये देखना होगा कि और किस तरह की कार्रवाई के मूड में प्रशासन अब है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पूछताछ में भी देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। हालांकि आपने ये भी देखा था सफाई जो है शहजाद अली के द्वारा दी गई थी, वीडियो जारी किया गया था, कहा गया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पूरा माहौल गर्मा दिया वहाँ पर और पत्थरबाजी करने लगे, तो ये सारी चीज़ें भी उसके द्वारा वीडियो में कही गई थी। पर जो है लगातार गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो है टीमें बना करके लगाई हुई थी, अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये जो है सरेंडर करने की फिराक में था, पर उससे पहले ही कोर्ट के बाहर ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, गिरफ्तारी की तस्वीर। अब ये देखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब क्या कुछ सामने आता है। और जो इसके शहजाद अली के और भाई हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो आखिर वो भी कहाँ हैं, उनसे भी क्या क्या पूछताछ होगी, किन धाराओं में मामला दर्ज होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। पर बहुत महत्वपूर्ण है ये और कि गिरफ्तारी हो चुकी है, अब ये देखना है कि पूछताछ में और क्या कुछ सामने आता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब गिरफ्तार